नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज पटना में चुनाव संगठन समिति में होंगे शामिल। बीजेपी मीडिया सेंटर का करेंगे उद्घाटन। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे नड्डा और फडणवीस, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। राजद छोड़ने और लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीएम को लिखा पत्र, तीन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा कल पटना में करेंगे प्रदर्शन, शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार के खिलाफ बोलेंगे हल्ला। लोजपा नेता रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा मैं अस्पताल में हूं भर्ती, चिराग के हर फैसले का समर्थन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान कहा बिहार में एनडीए को मिलेगी ज्यादा सीटें। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बदली चुनाव प्रचार की रणनीति, वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वोटरों को लुभाने में लगी भाजपा। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनावी नैया पार करने थामेंगे लालटेन, राजद के कई कार्यकर्ता हुए नाराज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर लोजपा की नजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार प्रभारी के दौरे के बाद चिराग पासवान ले सकते हैं बड़ा फैसला। गोपालगंज में 12वीं की छात्र ने गोली मारकर की आत्महत्या, गोपालपुर मांझागढ़ थाना क्षेत्र इमरिया गांव की है घटना। घर में रखे लाइसेंसी राइफल से छात्र ने खुद को मारी गोली, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। जिले में गुरुवार को कोरोना के 96 नए मामले आए सामने, जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6369। भागलपुर घंटाघर स्थित कोविड सेंटर से दो मरीजों ने कोरोना को दी मात, एक महिला सहित दो लोगों को कोविड सेंटर से मिली छुट्टी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में फर्जी नामांकन कराने वाला गिरोह हुआ सक्रिय, कॉलेज से विश्वविद्यालय तक फैला है जाल, विश्वविद्यालय प्रशासन बेखबर। उमस भरी गर्मी के बीच घंटों बिजली कटने से उपभोक्ता परेशान, शहर के कई हिस्सों में घंटों गुल रहती है बत्ती। शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा में कैदियों की नई पहल, सुबह शाम योग साधना के साथ कैदी करेंगे प्रार्थना। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल को अस्थायी रूप से खोलने का किया फैसला, परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं के लिए खोले जाएंगे हॉस्टल। भागलपुर मायागंज अस्पताल में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी, गौरव बना जिले का पहला प्लाज्मा डोनर। भागलपुर कजरेली थाना क्षेत्र गुरुवार को युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे फेंका शव। गौरा चौकी पेट्रोल पंप के समीप युवक को मारी गई गोली, खबर लिखे जाने तक मृतक युवक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। अवैध कारोबार को लेकर जताई जा रही है हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तिरुपति में युवक की हत्या कर बदमाशों ने नदी में फेंका शव, खवासपुर चेतिया बहियार स्थित नदी में बोरे में बंद मिला शव। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना को अस्थायी करने की कवायद हुई शुरू, एसएसपी आशीष भारती ने प्रमंडलीय आयुक्त और रेंज डीआईजी को लिखा पत्र। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक, एएसपी पूरन कुमार झा ने संवेदनशील इलाकों का समिति के सदस्यों से ली जानकारी। 185 दिन बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन से आनंद विहार के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, विक्रमशिला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बनकर होगी रवाना। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।